सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं गार्डन में बैठी हुई थी तो मुझे ध्यान आया कि हम किसी भी मौसम में गार्डन की शोभा जो है वो फूल ही बढ़ाते हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार के फ्लावर्स अपने गार्डन में लगाइए, चाहे सीजनल लगाइए, चाहे परमानेंट लगाइए, जो भी, तो जो गार्डन की शोभा जो बढ़ाते हैं फ्लावर्स, उनमें जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है तो वो जो गमला है या कहना चाहिए वो जो क्यारी है वो यकायक ही हमारी नज़रें अपनी ओर खींचती है और कहना चाहिए कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाती है। तो मैं अपने छत पर आई थी और मैंने देखा कि मेरे जो ये मॉस रोज़ हैं ये काफ़ी लेगी हो गए। तो मैं प्रक्रिया जो करने जा रही थी उसके पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से उस चीज़ को डिस्कस करूं। या ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे तो तोड़ लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं जो भी करूं तो मैं आप लोगों को बताऊं भी साथ साथ, जिससे मेरे कई जो बिगिनर्स व्यूअर्स हैं जो मतलब ऐसे कुछ पौधे लगाते हैं या लाते हैं तो उनको सही मार्गदर्शन मिले। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि हम देखिए, अभी हर जगह बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो हम मॉस रोज़ में अपनी फ्लावरिंग किस तरीके से बढ़ाएं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मेरे कई वीडियोज़ में देखे होंगे मॉस रोज़, और इसमें कई सारे कलर्स भी हैं। ये वेरीगेटेड है, इसमें ऑरेंज और पिंक और कभी कभी प्योर पिंक और कभी कभी प्योर ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर्स होते हैं। ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनके गमलों में यदि इस तरीके की कोई घास बीच में उग आती है तो हम उसको समय से हटा दें। और ये तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, इसको मैं काट दूंगी। और जो इस तरीके की ब्रांचेज हैं जिसमें अब आगे फ्लावरिंग के कोई चांसेस नहीं है, उसको हम इसमें तोड़ दें। ये देखिए हैं, ये इसमें मैंने, ये मेरे पास खाली रखे हुए थे कुछ गमले, और ये देखिए इसमें जैसे ही आप तोड़ेंगे तो यहाँ से न्यू ब्रांचेस ये निकल आएंगी, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए, बहुत सारी ऐसा होता है कि जैसे बारिश ज़्यादा होने लगती तब ये गल जाते हैं, तो मैं इनको उस दौरान क्या करती हूँ, एक दो को मैं बचा के रख लेती हूँ, जैसे ही इनका सीज़न आता है तो मैं उस दौरान इसको लगा देती हूँ। तो मेरे ये प्लांट्स जो हैं ये अच्छे चलने लगते हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए, इनको सबको तोड़ के आप समय समय से तोड़ के अलग करते जाइए तो ये इसमें न्यू ब्रांचेस निकल आएंगी। ऐसे ही ये एक, ये देखिए, ये मेरा येलो वाला मॉस रोज़ है और मैंने अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। और मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, ये बीच में कोई खरपतवार उगे हैं तो आप उसको हटा दीजिए और इनको बढ़िया सुबह, जैसे ही, जैसे इस दौरान भी पानी जो है जब सुबह नहीं गिरता है तो इनमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे ये वाली जो ब्रांच है, ये ऊपर की ब्रांच, इसमें कोई फ्लावर नहीं है और लेकिन साइड से इसमें ब्रांचेस निकल रही, तो आप इस तरीके से इनको तोड़ दीजिए तो इसमें जो है फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। और यदि आपके यहाँ तितलियाँ वगैरह आती हैं तो उससे जो है इनमें बीज बनने की प्रक्रिया भी होती है, तो आप उसको देखते रहिए। मैं एक आध आपको सीड पॉट दिखाती हूँ, इस वाले में है कि नहीं, इसमें तो सारी कलियाँ हैं। सीड पॉट मेरे, ये देखिए, ये है पार्सलिन, इसमें ये दिख रहा होगा, ये सीड पॉट्स हैं, मैंने इसके बीज भी इकट्ठे किए हुए हैं।
और इसमें आप देख रहे होंगे कितने कम फ्लावर्स हैं, इसमें कुछ हो रहे हैं फ्लावर्स, अभी धूप भी निकली है हमारे अच्छी, तो जब हम इनको ऐसे तोड़ देते हैं तो ये दूसरे कहना चाहिए ब्रांचेस को एनर्जी मिलती है, नई नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं और हमारा मॉस रोज जो है वो भर जाता है। अब मॉस रोज जो है ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको मल्चिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में ये बहुत अच्छे होते हैं, इनको ज़्यादा खाद पानी चाहिए नहीं होता है, तो उस दौरान आप जो है इनको ऐसे गमलों में लगा दीजिए जहाँ पर मल्चिंग की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छे मल्च का भी काम करते हैं और गार्डन की शोभा भी बढ़ाते हैं और आपके गार्डन में खूबसूरती भी बढ़ा देते हैं। अभी देखिए इसमें कम से कम 3-4 फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ तो सूख गए हैं, ये देखिए ये तो कुछ सूख गए हैं, और अभी आज थोड़ा सा गर्म है मौसम हमारे, हल्की हल्की धूप है, तो इसमें ये जो है ये बर्ड्स फॉर्मेशन हो रही हैं और ये ब्लूम कर रहे हैं। और कहीं पर भी आपको ये प्लांट मिलता है दिखता है तो आप थोड़ी सी कटिंग ले आइए और उसको लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, पानी में भी डाल के आप रखेंगे तो इसकी कटिंग जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने मॉस रोज और पार्सोलिन में भी कर सकते हैं। देखिए पार्सोलिन में मेरे यहाँ इसमें, अब मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँगी और आप चाहें तो थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो इनको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह मैं इनको नहीं देती हूँ, कोई भी नहीं देती हूँ क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सीजनल होते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं कि कई लोग हैं ना इनको तोड़ के फेंक भी देते हैं, ये अपने आप से देखिए गल के भी गिर जाते हैं, खुद ब खुद गल के और ये टूट के गिर जाते हैं, तो ऐसे में भी आप ये देखिए एक्स्ट्रा हो जाता लोड जरा, तो ये टूट के गिर भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में पार्सलिन लगा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।